रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी, आज का दिन बड़ा अहम है। वैसे भी आज का दिन सभी के लिए विशेष रहता है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, उससे लेकर भी आज का दिन बड़ा विशेष हो गया है। ऐसे में एक चीज़ तो ये कि इसका कितना असर आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में पड़ेगा। दूसरी बात, अभी भी किसान नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ये जो घोषणा है, जब तक सदन में आकर उस पर निरस्तीकरण की मोहर नहीं लग जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या कहेंगे आप जी? संजय जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको आज प्रकाश पर्व के ऊपर मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया है, तीनों कृषि बिल वापस किए गए हैं। देखिए, इसमें न किसी की जीत है न किसी की हार है, पहली बात। दूसरी बात यह है, उन्होंने जिस तरह से जो नारा था, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, निश्चित तौर पर उस चीज को चरितार्थ किया है। साथ ही साथ अपने आप को जनता के बीच में एक बहुत बड़ा एक जो लीडर कहते हैं, जो जनता की बातें सुनने वाला जो सरकार है, निश्चित तौर पर अपने आप को वहां पर स्थापित कर लिया है। पहले की सरकार की जहां तक बात थी, उनके यहां पर जो लाठी डंडे के जोर पर जिस तरह से किसी बात को मनवाने की कोशिश होती थी, वो यहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने ये कहा जो कि हम एक 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 व्यक्ति हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक एक वर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, 135 करोड़ जनता का ये देश, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति का देश और प्रदेश समाज के विकास में उतना ही योगदान है जितना शीर्ष नेतृत्व पर जो बैठने वाला व्यक्ति है उसका योगदान होता है। निश्चित तौर पर हम हर एक वो प्रयास करेंगे जहां पर देश और प्रदेश का विकास होगा, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे एक वर्ग हो। देखिए, हमने किसान का जो ये बिल था, ये कृषि बिल था, निश्चित तौर पर ये बहुत सालों से आता जा रहा था, इसके ऊपर में बहुत सारी मंथने हो रही थी, हर एक सरकार ने इसको कुछ एक ने स्टेटों में प्रदेशों में लागू करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में जाकर के जब ये सरकार इस चीज को लाई, इस बिल को लाई, पूरे मंथन के साथ संवैधानिक तरीके से इस बिल को पास कराया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, संजय जी, इस चीज को गौर करने वाली बात है, जो हम कुछ ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसे वर्ग को समझा नहीं पाए। निश्चित तौर पर हो सकता है जो कि हमारा जो संवाद था वो गैप कहीं ना कहीं रह गया था, जो कुछ व्यक्ति को कुछ वर्ग को हम समझा नहीं पाए। ये बहुत बड़ा बड़ापन है, ये बहुत बड़ी बात है जो राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। ये बहुत ही भावुक पल, अभिनंदन का बिल्कुल कहना चाहिए संबोधन था ये। और जहां तक बात है कृषि कानून का, निश्चित तौर पर अभी कमिटी जैसे गठित करने का ऐलान हुआ है, निश्चित तौर पर हर एक नुमाइंदे, हर एक वर्ग के प्रतिनिधि को वहां पर उस कमिटी में रखी जाएगी और जो सही होगा वो निर्णय लिया जाएगा। ये देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बहुत बड़ा। जी जी।